भाजपा नेताओं ने किया सफाई अभियान, निकाली सफाई यात्रा। यूपी के रामपुर की तहसील मिलन में भाजपा नेताओं ने आज सैकड़ों सड़कों पर उतरकर हाथों में झाड़ू लेकर सफाई यात्रा निकाली। इस मौके पर भाजपा के सभी पद व अधिकारियों के नेता शामिल थे। इस यात्रा मिलन क्षेत्र अम्बेडकर पार्क से निकाली गई और नगर में सफाई अभियान शुरू कर देश को कचरा मुक्त और पॉलिथीन मुक्त करने का संदेश दिया। साथ ही इस यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया। वहीं भाजपा में जिला अध्यक्ष मोहन सिंह सैनी ने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया देश को स्वच्छ और सुलभ बनाने का, उसका ही प्रयास किया जा रहा है। यह सफाई अभियान जागरूकता रैली निकाली गई है, उससे नगर को साफ किया जा रहा है, बल्कि स्वच्छता का संदेशा भी दिया जा रहा है। अभियान उठाया आपने, किस तहत उठाया है और कितने लोग इसमें यहाँ से जुड़े हैं भाजपा के? हम लोगों का गांधी जयंती की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो स्वच्छता का कार्यक्रम, पदयात्रा का कार्यक्रम हमने लिया था, अभी हमारी मिलक विधानसभा का कुछ क्षेत्र रह गया था और उसी पदयात्रा के अंतर्गत आज हम मिलक क्षेत्र में पहुँचे हैं और यहाँ के तमाम स्थानीय लोगों के साथ स्वच्छता का कार्यक्रम हमने लिया है और आसपास के गाँव में संपर्क कर स्वच्छता के और प्लास्टिक से मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक किया। ये सफाई अभियान खाली जो है आपकी सड़कों में दिखेगा या इसके अलावा और सरकारी अस्पताल या गाँव पहुँचेंगे, गाँव गाँव संपर्क करके लोगों को जागरूक भी करेंगे और वहाँ पर स्वच्छता का कार्यक्रम चला। प्लास्टिक मुक्त भारत की हमने जो एक संकल्प लिया है इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अमरीत जी आप बताइए, आप क्या बोलेंगे सर? ये जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में हर जन को ये एहसास कराना चाहते हैं हम लोग कि अपनी सफाई स्वयं अपने आप करनी है, अपने घर को स्वच्छ रखना है तो अपने रास्ते को भी स्वच्छ करना है और पन्नी मुक्त करना है, पूरी तरीके से पन्नी का इस्तेमाल नहीं करना है और जल का संचय करना है।